सेंट जेवियर्स स्कूल के पास ही हचिडेंट पार्क गांधी मैदान। सब लोग देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहिएगा आज? देखिए बिहार सरकार को हर हाल में तो मिसाइल नीति हटाना होगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं इधर उससे तो हम लोग बाहर के लोगों को नौकरी नहीं, नहीं बाहर के नौकरी को नहीं देना, क्योंकि हम लोग को नहीं दिया जाता है, हम लोग को एज में छूट नहीं दी जाती है, हम लोग को पैसों में छूट नहीं जाती है। हम लोग किस तरह से कहाँ से आए हैं? चंपारण से। पूरे बिहार के अभ्यर्थी आए हैं और आज जो मिसाइल लागू करा के ही जाएंगे, एकदम कुछ अगर हक मारा गया तो क्या बोलेगा? हक मारा जाए तो हम अपनी खून की नदियां बहाएंगे। देखिए युवा के नेता कहा जाता है तेजस्वी यादव को, बहुत गलत कहा गया तेजस्वी यादव ने इनको, युवा विरोधी है तेजस्वी यादव, युवा विरोधी है, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, जब विपक्ष में रहते हैं तो शिक्षा के पक्ष में अभ्यर्थी। देखिए किस तरह से जो लोग हैं शिक्षा का अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतर गए हैं और सब लोग देखिए कि किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखना ही होगा कि क्या होगा आज, सारे लोग जो है उनको कहना है कि आगे बढ़ते रहेंगे। बताइए हाथों में तिरंगा है, मांग क्या है कि हम लोग को तो मिसाइल हो, इलाजी हो, नहीं तो हम लोग आंदोलन छोड़ने वाले नहीं छोड़ने वाले। महिलाएं भी हैं, मैडम लोग भी, आप लोग भी आज सड़क पर उतरी भी हैं। गुस्सा कितना है कि बिहारियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है बिहारियों के साथ इंसाफ। हम लोग क्या करिएगा, आंदोलन में आए, देखिए कि किस तरह से विश्वमान धाम तक पहुंच गए हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो है हाथों में झंडा लिए हुए हैं और सारे लोग जो है वो पूरे जोश के साथ किस तरह से बढ़ने के, भीड़ जो है वो खत्म नहीं हो रहा है और सारे शिक्षक अभ्यर्थी सारे जिलों से, पूरे बिहार के जिला से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका कहना है, क्या बोलेगा, कहाँ तक जा रहे हैं? चलिए ये देखिए, हम लोगों को ये बिहार सरकार एक नई शिक्षक नियमावली लाई है, ये बीपीएससी नहीं लाई है, बिहार प्रतिदिन भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जिनसे पूछेंगे जरूर। सब लोग सड़क पर उतर गए, देखिए उतरना मजबूरी है, हम लोग सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं लेकिन सरकार ने मजबूर किया है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को लागू किया जाए, डोमिसाइल जो हटाया गया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। राजभवन मार्च, राजभवन, बिल्कुल। अभिषेक कुमार को जबरदस्ती गिरफ्तार कर चुका है, यहाँ गांधी में उठा लिया गया है हम लोग के एक नेता को, हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे फिर भी उठा लिया गया हमारे नेता, गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है, हर चीज शुरू हो गया है। शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो राजभवन मार्च कर रहे हैं, सब लोग बहुत जोश के साथ है कि हक हमारा, कोई भी मारेगा तो उसको छोड़ेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए सब लोग जो है वो किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाथों में झंडा है और पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग भी है। जी हाँ, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग भी लगाया है और आमने सामने पुलिस प्रशासन और सब लोग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए भागने लगे इधर से, ये देखिए इधर से भाग रहे अभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो किस तरह से दौड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए किस तरह से, यहाँ पे देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ आमने सामने हो गए, सब लोग एसडीएम भी मौजूद है, सब लोग प्यार से समझा रहे कि नहीं माने पे दौड़ा दिया गया। ये देखिए शिक्षक अभ्यर्थी को किस तरह से दौड़ा जा रहा है, देखिए ये देखिए, और सब लोग दौड़ने लगे, पुलिस प्रशासन ने दौड़ाई, महिला दौड़ रही है, ये देखिए किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी जो है एक तरफ और एक तरफ पुलिस प्रशासन की जो फौज है वो है, हाथों में लाठी है, हेलमेट पहने हुए हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि चले जाइए और दौड़ा के भगा भी रहे। किस तरह से पूरे सड़क पर अभ्यर्थी हैं जो कि बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, ये देखिए सब लोग जो हैं जिनको भगा दिया गया क्या चले जाएंगे, ये देखिए किस तरह से सब लोग जो हैं, देखिए समझाया जा रहा क्या करेंगे। हाँ सर, हम लोग डोमिसाइल नीति के, हाँ जी शांति से हम अपना हक लाए हैं सर, डोमिसाइल नीति को लेकर हम लोग आए हैं। चलिए देखिए कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी जो है और पुलिस प्रशासन जो भागम भाग हो गया और सब लोग भागने लगे अचानक, क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ मांग था, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से कितने नाराज हैं और सड़क पर किस तरह से दौड़ रहे थे, आमना सामना हो गया पुलिस की फौज और अभ्यर्थियों की फौज से और पूरा हो गया। देखिए किस तरह से चिल्ला रहे, क्या करिएगा, अरे बाबू सीधे चलो ना,